जिला नारायणपुर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्कर शर्मा के नारायणपुर पुलिस की द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। लंबे समय से फरार चल रहे स्थायी वारंटियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही व न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। दो स्थानीय वारंटी को पकड़ने में नारायणपुर पुलिस को सफलता मिली। माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। पुलिस वाला न्यूज के लिए नारायणपुर से गणेश वैष्णव की ब्यूरो रिपोर्ट। नारायणपुर जिले में जो है पुलिस अधीक्षक श्री पुष्कर शर्मा के नेतृत्व में जो है स्थायी वारंटियों के विरुद्ध जो है अभियान चलाकर कार्यवाही किया जा रहा है। और पूर्व में जो है सभी थाना प्रभारियों को जो है निर्देशित किया गया था कि लंबे समय से फरार जो स्थायी वारंटी हैं उनको जो है अभियान चलाकर कार्यवाही कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। इसी कड़ी में थाना नारायणपुर के द्वारा जो है आज दो स्थायी वारंटियों को जो है पकड़ा गया है, जिनमें संतोष कुमार निवासी सोलेंगा जो वर्ष 2012 में जो है सड़क दुर्घटना कारित करके जो है पिछले 10 वर्षों से जो है फरार चल रहे थे, जिनके विरुद्ध एक स्थायी वारंट। इसके अतिरिक्त दिललाल सलाम निवासी बंगोली जो वर्ष 2017 और 2018 में चोरी के 3 अलग अलग आपराधिक प्रकरण में जो है घटना कारित करने के पश्चात जो है माननीय न्यायालय के जमानत जो शर्त है उनका उल्लंघन कर जो है तीनों मामलों में फरार चल रहे थे। और उक्त जो दो वारंटी जो कुल 4 आपराधिक प्रकरण में जो है वारंट जारी हुआ था, उक्त दोनों वारंटियों को जो है थाना नारायणपुर के द्वारा जो है आज कार्यवाही कर जो है माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। और आने वाले समय में भी जो है उक्त अभियान जारी रहेगा।